नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो फ्राइडे को मार्केट में मोमेंट हुआ वो बेसिकली न्यूज बेस्ड मोमेंट था। मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो नेक्स्ट मंडे को मार्केट में क्या रहना है उसको डेटा बेसिस पे हम देखेंगे। एक्चुअली जो हमारे प्रो ने क्या किया था कि फ्राइडे के जो थर्सडे के दिन उन्होंने पुट बाई करके गए थे, लेकिन उनकी बाइंग की क्वांटिटी माफ करिएगा दोस्तों, बहुत कम था। आप यहाँ पे देखें तो 29,000 लगभग 29,000 की बाइंग की क्वांटिटी थी। तो उन्होंने जब मार्केट किया झटके में, जब नीचे लेके आया 80-90 पॉइंट, तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन क्लोज किया। उसके बाद देखें कि यहाँ पे राइटिंग किया उन्होंने, क्या किया फिर फ्राइडे को उन्होंने एक अच्छा खासा राइटिंग किया और जो उनके पास कॉल की राइटिंग थी उन्होंने क्लोज किया। तो इस डेटा बेसिस पे हम आज देखते हैं कि क्या होगा। तो अभी आप अगर दोस्तों, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए डेटा को। यूजुअली देखिए, लाइव मार्केट में हम ये नहीं कर सकते कि नहीं मार्केट में डेटा बना है तो वो पोजीशन क्लोज नहीं होगा या फिर उसके मार्केट डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। यहाँ पे 29,000 क्वांटिटी कुछ नहीं होता ऑप्शंस के लिए, वो मार्केट आपको 70 पॉइंट नीचे आया, उन्होंने फेस क्लोज कर दिया वहां पे। तो जो बड़े प्लेयर डेटा बताते हैं उसके अनुसार हमें मार्केट में पानी की तरह रहना है दोस्तों, हमें बायस नहीं होना है। मार्केट में जो हमें डेटा इंडिकेट करता है, जो बताता है, उसको ही फॉलो करना है। बड़े प्लेयर कब क्या पोजीशन बनाएंगे क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, ना आपके बस में है, ना किसी के बस में। वो जो पोजीशन बनाएंगे वो हमको मार्केट में दिखेगा, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो चलिए एक बार डेटा पर हम देख लेते हैं कि डेटा क्या बना हुआ है। आज अगर फ्राइडे के दिन देखें तो यहाँ पे क्लाइंट ने फ्यूचर में 10,000 क्वांटिटी लॉन्ग किया है और शॉर्ट भी किया है 4,700 क्वांटिटी। तो नेट बेसिस इनका 6,200 क्वांटिटी लॉन्ग हुआ, यानी 1,36,000 से 1,40,000 इनका हुआ। अगले एक्सपायरी उन्होंने पोजिशन क्लोज नहीं किया था पूरा। और यहाँ पे आप देखें FII थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशन क्लोज किए हैं और ये शॉर्ट भी आपको थोड़ा सा क्लोज किए हैं। तो ये स्लाइटली यहाँ पे बुलिश है, 7,400 क्वांटिटी 1,21,000 से 1,14,000 क्वांटिटी है। नेट बेसिस पे यहाँ पे ये बेरिश ही है, लेकिन मंडे के लिए इनका थोड़ा सा मनी फ्लो ऊपर हुआ है। प्रो ने किया क्या है, लगभग 8,000 क्वांटिटी राइट किया यानी शॉर्ट किया है और लॉन्ग नहीं किया है। तो ओवरऑल इनका देखें 4,400 नेट बेसिस पे, जो 3,600 ये लॉन्ग था वो क्लोज होकर 4,400 शॉर्ट बेसिस पे, यानी यहाँ पे न्यूट्रल है। 4,000 प्रो के लिए कुछ क्वांटिटी नहीं, फ्यूचर में ये न्यूट्रल है। और यूजुअल जो DI है वो यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किए हैं 5,600 क्वांटिटी, इनका नेट बेसिस पे 23,000 क्वांटिटी शॉर्ट हो गया है। तो FII यहाँ से स्लाइटली आपको कल के लिए, जो मंडे के लिए है, वो स्लाइटली बुलिश है, हल्का सा उनका पोजिशन स्लाइटली बना है। और यहाँ पे हमारे यूजुअल FII जो ये क्लाइंट है वो भी थोड़ा सा बुलिश है और DI ने थोड़ा सा पोजिशन बिल्डअप किया है। तो यहाँ पे डेटा मिक्स का है। इसके बाद हम अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शन में आप अगर जो है देखें तो यहाँ पे इनकी जो बाइंग पड़ी थी लगभग 22,000 क्वांटिटी, वो पूरा क्लोज करके क्या 48,000 क्वांटिटी इन्होंने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन में बैठ गए। तो नेट बेसिस पर 25,000 नेट बेसिस पे हमारे क्लाइंट शॉर्ट कर दिए, किसको, यानी कॉल को। और पुट भी इन्होंने लगभग 3,28,000 इनका जो पोजिशन राइटिंग था वो मार्केट जब ऊपर गया तो उन्होंने क्लोज कर लिया, 1,95,000 है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी भी ये पोजीशन इनका बुलिश में पड़ा हुआ है, 1,95,000 पोजीशन बुलिश में पड़ा हुआ है। स्लाइटली इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए कुछ क्लाइंट को। और FII की बात करें तो FII ने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, कॉल की बाइंग की है और ये पुट की जो इनके पास बाइंग पड़ी थी वो थोड़ा ही क्लोज किए हैं। यानी ओवरऑल आप देखें यहाँ तो इनकी थोड़ा सा मनी मंडे के लिए मार्केट में बुलिश व्यू रख रहे हैं, ये स्लाइटली बुलिश व्यू रख रहे हैं। और एज यूजुअल जो हमारे DI और प्रो है, प्रो ने भी क्या किया है कि थोड़ा सा इन्होंने कॉल की जो राइटिंग करी थी वो क्लोज करके और पुट की अच्छी खासी राइटिंग कर दिया है। तो इनको लग रहा है कि मंडे मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली अप रहना चाहिए या फिर क्या करें कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए और फिर वहीं से बाउंस बैक कराए, क्योंकि वहां पे हमको क्लाइंट को ये लगेगा कि नहीं मार्केट अब बेरिश होने वाला है, अपना पोजीशन क्लोज करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये भी हो सकता है, दो सिनेरियो हो सकता है, इसको हम चार्ट बेसिस पे देखेंगे। चलिए एक बार हम इसको ऑप्शन चेन से मैच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देखें तो डेटा हमें थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 5.8 का रेशियो है, ये हमें बेरिश इंडिकेट कर रहा है डेटा बेसिस पे, यानी रेशियो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेरिशनेस रहने वाला है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। और अगर यहाँ पे FII की बात करें तो FII जो भी बाइंग किए हैं इनका नेट पोजीशन आप देखें तो जो अगर आप ATM के पास देखेंगे अगले एक्सपायरी में जो दोस्तों, ये आपको मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी का मैं डेटा दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये पोजीशन देखिए आपको यहाँ पे भी बना हुआ पोजीशन, सॉरी यानी आपको देखें तो ये बड़ा हुआ पोजीशन 17,000 के पास बन रहा है, आपको ये 16,900 के पास बना है, जबकि इन द मनी 17,000 पे क्या है, थोड़ा सा इन द मनी राइटिंग हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं पोजीशन ये इन द मनी राइटिंग करके है, जबकि कॉल साइड कोई ऐसा पोजीशन नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17,000 आपको 16,900 यहाँ पे, तो ये राइटिंग आपको इन द मनी पुट साइड हो रहा है, यानी यहां से स्लाइटली
बुलिश हमें इंडिकेशन मिल रहा है अगले एक्सपायरी का, एक दो दिन और हमें क्लियर कर देगा। अभी आपको नेक्स्ट जो 6 तारीख का है एक्सपायरी, इस डेटा पे देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लगभग 16,800 पे राइटिंग किया गया कॉल साइड, पुट साइड भी किया गया, लेकिन ये 17,000 के पास देखें एक अच्छा खासा लगभग 15,000 क्वांटिटी ये इन मनी राइटिंग किया गया है, और ये आपको बाइंग लग रहा है मुझे, आपको बड़े प्लेयर द्वारा यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है इनका, देखें आप तो ये लगभग हमारे जो FII ने बाई किया है वो कॉल साइड में यहाँ पे 17,100 के पास बाइंग लग रहा है, और यहाँ पे राइटिंग किया गया वो हमारे जो है वो क्लाइंट द्वारा राइटिंग किया गया, और ये इन द मनी यहाँ पे राइटिंग किया गया हमारे प्रो द्वारा, ये सब सारे राइटिंग है। तो ये डेटा हमें यहाँ से बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। IBB में 17,000 आपको टच करने के ऊपर की प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, 16,800 आप यहाँ देख सकते हैं ये, और IBB 17,000 को 68% टच करने की प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ लगता है कि मार्केट बिल्कुल ऊपर 17,000 से ही ऊपर रहेगा, आपको बिल्कुल 100% यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा डेटा रहा दोस्तों, इस डेटा के बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा आपको मुनाफा होगा। सेम अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देता हूं डेटा दोस्तों। मार्केट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डेटा आप जो है बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते, खासकर ऑप्शन या इवन स्टॉक्स में भी। तो आप यहां पे अगर देखें जो बैंक निफ्टी का, तो इन द मनी यहां पे कॉपुट साइड पूरा पोजीशन ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें 37,500 यहां पे पूरा राइटिंग हुआ है, जबकि 38,000 के पास ऊपर में यहां पे ये बाइंग हुआ है, यहां पे कहिए ये बड़े प्लेयर द्वारा बाइंग है 38,500 पे। डेटा हमें बैंक निफ्टी का भी बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल आपको अगर ट्रेड करना है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 17,094 के पास जो मार्केट अभी क्लोजिंग हुआ है, 17,094 के पास ओवरऑल यहां से एक जो है आपको 17,050 तक हमें लॉन्ग रहना है, यानी डेटा बेसिस 17,050 एक बहुत सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट आप प्रीवियस देखे रहोगे तो यहां पे बहुत दिन तक होल्ड कर रहा है 17,050-17,060 तक, तो 17,050 जैसे ब्रेक कर देगा ना, यानी आपको शॉर्ट में 17,020 के नीचे टारगेट हमारा 16,940 का 16,830 का हो जाएगा, लॉन्ग रहना है 17,050 तक, टारगेट 17,180 का 17,340 करेगा। ओवरऑल लास्ट में थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग का दोनों आया है, इसको हम अगर आपको मंथली वीकली बेसिस पे कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो 0.2 जो 1 लेवल था वहां से रिट्रेस हुआ था, मार्केट उस लेवल तक गया, वहां से फिर रिट्रेस हुआ, इस लेवल को टच किया 0.8 लेवल, और यहां पे आया आपको कहा है जो 0.50 के लेवल पे 15,520 जो है इस लेवल को टच किया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया और 0.78 तक पहुंचा, यानी आपको यहां पे भी एक बार होल्ड किया 0.68 तक, और फिर आपको 0.78 लेवल के पास आके रुका है। तो जैसे ही आपको 17,200 यहां से लगभग 200-190 के ऊपर पहुंचता है, एक बार हो सकता है 17,200-300 तक एक बार पहुंचे, 300 के ऊपर हम फिर एनालिसिस करेंगे कि क्या मार्केट रहेगा, क्योंकि 17,300 आप यहां पे देख सकते हैं कि एक जो 0.78 का लेवल है इसके लिए आपको रेजिस्टेंस साबित होगा यहां पे। तो फिलहाल अभी टारगेट 17,300 का रहेगा हमारा निफ्टी का। और ओवरऑल अभी बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी पूरा ये इस लेवल के ऊपर, यानी 38,599-38,600 के ऊपर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमें शॉर्ट होना है 38,550 तक, हमें लॉन्ग रहना है, टारगेट हमारा 38,830 का, 39,000 का, 39,300 का रहेगा टारगेट, शॉर्ट होना है 38,500 के नीचे, यानी 50 पॉइंट यहां से अगर लगभग 100 पॉइंट नीचे आता है तो फिर टारगेट हमारा 38,300 का, 38,000 और 37,800 का आ जाएगा, क्योंकि आप देखें यहां पे BWME और BWP ये बिल्कुल एक सपोर्ट का काम भी कर रहा है इसको भी, और पूरे मार्केट में यहां पे जो है BWME उसको खींच के कैंडल के पास लाया है। लास्ट में थोड़ा सा हमारा बाइंग का भी वॉल्यूम आया, ये बाइंग जो था ये पूरा वॉल्यूम बेस नहीं था, यहां पे मार्केट ऊपर गया तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बेस नहीं था, ये न्यूज बेस था, ये पूरे न्यूज बेस था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, तो हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया फिर बाउंस बैक करे, ये हम आपको लाइव मार्केट में बताते रहेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखें यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी सेम 0.1 के ऊपर यहां पे टच किया था, फिर यहां पे इस लेवल को सपोर्ट किया, उसके बाद नीचे आया, तो बैंक निफ्टी आपको एक जो यहां पे देखें इस सपोर्ट इसका काम कर रहा था, और यहीं से बाउंस बैक बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया। तो अगर आपको 38,600 लेवल का, ये 38,600 यानी 580 एक बिल्कुल ही क्रूशियल लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 550 तो फिर बैंक निफ्टी में 36,000 का लेवल, और फिर 36,000 भी ब्रेक करेगा तो आपको 34,000 का लेवल दिखाई देगा, लेकिन एक बार यहां से बाउंस ब्रेक करेगा तो फिर आपको 41,000-40,800 तक एक बार पहुंच सकता है बैंक निफ्टी। ये दोस्तों पूरे आप देखें FII अगर सितंबर बैच में सितंबर महीने में देखें
तो इनका नेट मनी आउटफ्लो हुआ है, यानी इन्होंने क्या किया, नेट बेसिस पे ये मनी यहां से निकाले हैं। आप लास्ट का देखें सितंबर में तो एफआईआई ने अच्छा खासा सेल किया है, लेकिन अगस्त जितना बाइंग था उतना सेल नहीं किया है, तो स्लाइटली यहां पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था मार्केट में। जब आपको एक लगभग 2.5 हजार पॉइंट का रिकवरी आया तो वहां उन्होंने प्रॉफिट अपना बुक किया। और नेट बेसिस पे आप देखें तो वो 30 सितंबर को भी उन्होंने लगभग 1565 करोड़ का सेल किया है। डीआई ने थोड़ा सा बाइंग किया यहाँ पे 3200 करोड़ का, इनका दुगुना लगभग बाय किया है। तो एफआईआई कंटिन्यूस अभी सेल कर रहा है। दोस्तों ये सारे चीज हम अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, उनकी पोजिशन कहाँ पे बन रहे हैं, वो कौन से मार्केट में राइट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। मार्केट डेटा देखिए आप यहाँ पे स्लाइड लिया, यहाँ पे 920 टच बाउंस बैक, ये सारे अपडेट किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम। और दोस्तों ये पूरे लाइव मार्केट में अगर आप पूरे ऑप्शंस का एनालिसिस चाहते हैं कि बड़े प्लेयर क्या पोजीशन बना रहे हैं, उनकी बाइंग हो रही है सेल हो रही है, तो ये आप हमारी कोर्स जो है वो आपको 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। अभी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिए हैं, उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके यहाँ पे आप कोर्स में अपना एनरोल करा सकते हैं। और यहाँ पे सारे चीज देखिए, हम डेटा ऑटोमेशन कैसे करते हैं, मल्टीपल एक्सपायरी कर सकते हैं, लाइव सीओआई आरओसी जो है रेट ऑफ चेंज जिसको हम निकालते हैं, जैसे बड़े प्लेयर का पोजीशन बेस्ड ऑन आपको आईवी और प्रीमियम के ऊपर, हमें कैसे आईवी और प्रीमियम कैसे समझते हैं, ऑटोमेट रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, और फ्यूचर का और कैश का भी एपीआई सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट के साथ स्विंग ट्रेडिंग और मल्टीपल स्टॉक्स इवन पेनी स्टॉक्स में भी हम सारे यहाँ पे देखते हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम फी में एक यहाँ पे सिखाया जाता है, बहुत ही मिनिमम फी, लोग इसके लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और पूरे सीट के लिए आप अपना ऑटोमेटेड सिस्टम आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट न करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा।